Dejadlo más. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी सीटेट की क्लासें जो वो स्टार्ट हो चुकी है सभी के लिए। आज के लिए मैं आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया हूँ, जरा संभल के रहिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिससे क्लास आसानी से हो सके, ठीक है। तो देखो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जिससे क्या है कि आपको जो भी क्लासे होगी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका मैराथन होता है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। चलो देखिए, सीटेट और केवीएस 2023 के लिए न्यू बैच है, जिसमें आपका रहेगा, देखो मैथ का टाइम वही रहेगा 10 बजे, ठीक है। साइंस क्लास आपकी 1 बजे होगी, ठीक है। सीडीपी की क्लास होगी आपकी 3 बजे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोस्तों इन चीजों का, ठीक है। ईवीएस की क्लास आपकी वही 6 बजे रहती है, वही रहेगी, ठीक है। और 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है और आपकी 9 बजे हिंदी की क्लास होती है, सीटेट न्यू बैच जब भी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सीटेट मैराथन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि नॉन स्टॉप आपके 5 घंटे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करवा दें, ठीक है, तो देखो आपके अगर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो सीटेट मैराथन एक वीडियो में सिलेबस का कोशिश ये रहेगी कि जितना भी आपका सिलेबस है एक ही चीज में डाल दें, ठीक है, जिससे मैराथन पूरा कंप्लीट हो सके, ठीक है। बिल्कुल सारा जितना भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉन स्टॉप रहेगा ये 5 घंटे का सेशन आपका, ठीक है। अब आपको तय करना है कि आपका सफर कितना है, आप पक्का करना चाहते हो सिलेक्शन या नहीं करना चाहते, तो जरूर देखना है साथियों आपको, ठीक है। आपको इसमें एग्जाम की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नॉन स्टॉप होगा, बिल्कुल 5 घंटे लगातार आपकी क्लासे चलेगी, ठीक है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों की एकदम फुल आपको डिटेल भी दी जाएगी, ठीक है। और ये क्लास होती होगी आपकी 11 दिसंबर यानी कि संडे को ये क्लास होगी, ठीक है। संडे को टाइमिंग वही रहेगा, 10 से 3 बजे के बीच में आपकी सारी क्लासें कवर अप होगी, ठीक है। तो ये थी आपके, आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूं आपके लिए, एक्स्ट्रा जो चीजें लेकर आया था उन सभी के लिए, ठीक है। हाँ चलो, तो सीटेट और एसटेट के सभी विद्यार्थियों को एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो क्लासें चल रही है, सोशल स्टडी की क्लास 9 बजे होती है, 10 बजे मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की, सीडीपी की 3 बजे, ईवीएस की 6 बजे और आरती मैम की 10 बजे होती है अंतिम क्लास हिंदी की, ठीक है। तो क्लासें जरूर देखिएगा जिससे आपके कोई प्रॉब्लम ना हो, और भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप पूछ भी सकते हो लाइव क्लास में, तो आपको इतना फायदा रहता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टीना जी, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए, तो क्लास शुरू करने से पहले आपको ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके लिए दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करें आज का सेशन, शुरू करें, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अपने अपने दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक है, जिससे कि क्लास में अगर कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है, विद्यार्थी जितने अधिक होते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करें क्लास को। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से देखना है और आंसर करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है, देखिए क्या क्या चीज आपको इसमें बताई जाती है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को पढ़ने का तरीका सीखना है, पूरी कोशिश में आपको ये करता हूं कि आप तरीका सीख जाओ, मैथ को करने का तरीका सीख जाओ कि आपको किस प्रकार से मैथ को सोल्व किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो सोचना ही नहीं, हमें मेहनत भी उतनी करनी है जितना हम सोचते हैं, ठीक है, जितना हम सोचते हैं मेहनत भी हमें उतनी करनी है, ठीक है। सोचने से कहां मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर, ठीक
ठीक है, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो वो है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, सभी को आंसर देना है, ठीक है, सभी को आंसर देना है, देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सभी को आंसर देना है। चलो, आया किसी का? चलो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक पूर्णांक अपने एक तिहाई भाग से 10 अधिक है तो पूर्णांक निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हर चीजों के बारे में। एक पूर्णांक है, पूर्णांक को मैंने मान लिया कि x कोई संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है अपने, उसने कहा कि एक पूर्णांक अपने, यानी जो अपना जो जितना भी दिया हुआ है, यानी x दिया हुआ है, अपने का एक तिहाई भाग, यानी इसका एक तिहाई भाग कितना करोगे, x बटे 3 भाग, एक तिहाई भाग से 10 अधिक है, इससे 10 अधिक है, बस इतना सा करना है, ठीक है, पूर्णांक बताना है आपको, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या कहा गया है कि एक पूर्णांक, सॉरी ये तो पूरा कॉम्बिनेशन हो गया है, एक पूर्णांक हमने x मान लिया, ठीक है, उसके बाद में एक पूर्णांक अपने, जो अपना दिया हुआ है उसके एक तिहाई भाग से कितना है, एक तिहाई भाग से 10 अधिक है, बस इतना सा काम करना है, ये आपकी कैलकुलेशन इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक पूर्णांक माना, पूर्णांक x मान ली, ठीक है, उसके बाद में उसने कहा कि वो जो पूर्णांक है वो अपने एक तिहाई का, यानी जो अपना दिया हुआ है उसका एक तिहाई कर दो, तो एक तिहाई मैंने इसका कर दिया, एक तिहाई भाग से 10 अधिक है, मतलब प्लस 10 है, तो इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये संख्या इधर आ जाएगी, ठीक है, तो x माइनस x बटे 3 हो गया है, बराबर में आपके 10 दिया हुआ है, इसी प्रकार, ठीक है। अब आगे करोगे तो देखो यहां पर आपका है 3x माइनस x है, बटे में आपके पास 3 दिया हुआ है, ठीक है, 10 दिया हुआ है, 3x में से 1x गया तो आपके पास 2x बच गया, बराबर आपके पास देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास 30 बनता है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 30 अपॉन 2 कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 15। तो आपका राइट आंसर साथियों सभी का क्या होगा, बिल्कुल 15 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखते हैं कहां पर आपकी गलती होती है। सभी को देना है आंसर, आंसर जो भी हुआ आपका सभी को आंसर देना है, देखते हैं क्या आंसर आता है आप सभी का। चलते हुए देखते बता दीजिए, देखो आपने शुरू से पढ़ा होगा, सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, पहले या तो नीचे वाली संख्याओं को सोल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर पहले इसको सोल्व कर लीजिए, पहले ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपके पास वो का ऐसा कैसा चलता रहेगा, ठीक है। मैंने 8 कर दिया है, माइनस आपके पास 8 दिया हुआ है, इनटू में आपके पास ऊपर वाली संख्या है, देखते हैं क्या आती है, 5 दुनी 10 और 1 11 बटे आपके पास 5 है, ठीक है, माइनस की वैल्यू है 7 8 9, यानी कि आपके पास 9/7 ये वाली संख्या है। अब नीचे देखिए यहां पर कितना है, 2 तो हमने यहां पर रखा, माइनस यहां पर 1 यहां पर, 6 6 36 और 36 इसमें क्या हो जाएगा, एल लघुतम ले लीजिए, ठीक है, तो कितना होगा, 36 में से 1 गया तो आपके पास 35, यानी कि आपके पास आंसर में यहां पर क्या बता, 35/6 यही बचाना, 35/6 ही बचेगा, ठीक है, 35/6 बचा है। अब एक बात ध्यान से देना, आपके पास बटे में ये संख्या है, ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, पहले
ठीक है, ऊपर वाले पहले इन दोनों को भी सोल्व करते चलिए, नीचे वाले को, इनको आगे पीछे को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना आया, एलसीएम कितना आएगा आपके पास 35, 7 × 5 = 35 होता है, ये मैंने 35 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 5 × 77 तो ये हो गया आपके पास, 7 × 5 और 9 × 45 तो कितना बचा आपके पास, आपके पास 32 बचेगा, कितना बचेगा 32। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी जो आगे आपके पास ये है उसको तो साथ में लिखना ही लिखना है, जो 8 - 8 है वो तो जरूरी है, ठीक है, इसको सोल्व मत कर देना, यहाँ पर 8 में से 8 गए तो 0 बच गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंटू में है, पहले इंटू होगा उसके बाद में माइनस करना है, ठीक है, जो भी होगा। तो आपके पास 8 तो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, बराबर में मैं यहाँ पर 8 - 8 लिख देता हूँ, समझते हुए चलना है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर जो भी संख्या है मल्टीप्लाई में है, बटे ऊपर आपके पास ये आ चुकी है, ठीक है। और मैंने नीचे देखो क्या लिखा है, 6 - जो ये वाली संख्या है, ध्यान रखना इस पूरी वाली संख्या को, इसको सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 6 तो ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, यानी 6/35 आपका इस प्रकार होगा, ठीक है। अब इसको देखो आगे चलते हैं, 8 आपके पास ऐसा का ऐसा है, 8 × आपके पास इंटू में बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहां पर सोल्व करते हुए चलना है, यहाँ पर 32 तो आपका क्लियर है ही चुका है, 32 / आपके पास 35, ठीक है। यहां पर करोगे 35 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एलसीएम लोगे नीचे वाले का, तो 35 को मैं अगर 35 से मल्टीप्लाई करता हूं 6 को, 6 × 5 = 30 होता है, 3 आपके पास, 6 × 3 = 18 होता है, 18 में 3 जोड़ते हो तो 210 होता है, ठीक है। उसमें अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो कितना बचता है आपके पास, 6 को माइनस करता हूं तो आपके पास बचता है 204 / 35, यही बचता है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है। माइनस में है संख्या, दो कौन सा, एक मिनट कहीं मिस्टेक कर दीजिए, अच्छा ये 2 है, यहां पर देखो लिखने में गड़बड़ कर दिया आपने, यहां पर क्या किया, यही है 2 ही है, 6 तो हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया, ये वाली संख्या पहले सोल्व कर दी, 6 × 36 = 36 में गया 35/, आपके पास 35/6 तो ये आया है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। और आपके पास ये 2 ही है, यहाँ पर कोई संख्या लिख दी गई थी, मैंने इसको 6 समझ लिया, यहाँ पर ये 2, तभी मैं सोचू इसका गलत कैसे आ पहुंचा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसको करिए, तो एलसीएम यहां पर एल लोगे तो 35 × 2 आपके पास 70 होता है, 70 में से 6 गया तो आपके पास कितना बचा है, और आपके पास 35 ऐसे का ऐसा, यानी कि आपके पास कितना बचा, 64 / 35, तो मैंने यहां पर लिख दिया 64/35। तो देखो ऊपर वाली संख्या आ गई, नीचे वाली संख्या आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें देखो 8 आपके पास ऐसा का ऐसा चल रहा है शुरू से, माइनस का 8 आपके पास इसी प्रकार चल रहा है, इनटू आपके पास लगा हुआ है। अब देखो 32/35 ऊपर दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया, बिल्कुल, तो यहां पर लिखता हूं मैं, एक मिनट इसको मिटा दूं, मैं एक मिनट अगले वाली इस कैलकुलेशन को मिटा देता हूं, जिससे जगह हो जाए हमारे पास, ठीक है, ओके बिल्कुल। चलो अब देख लेते हैं, अब देखिए यहां पर कितना बचा है आपके पास, 32/35, क्लियर है। और अब ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडर है, तो आपके पास 35 ऊपर चला जाएगा और 64 ऊपर नीचे आ जाएगा, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ऊपर से काट सकते हो, ठीक है। अब यहां से काटोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, यही गया ना, तो आपके पास देखो कितना बचा, 8 - 8 × 1/2, ठीक है, बराबर में आपका चलता जा रहा है, 2 से काटोगे 4 बार में चला गया। अब 8 को कितना, 8 में से 4 गया तो 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो देखिए दोबारा से देख लेते हैं, देखो कहाँ पे आपके ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई भी जगह ऐसी चीजें नहीं है जहां पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी हम लिखने में कहीं गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो सभी को क्लियर है,
ओके बी इज राइट आंसर। ठीक है देखो यहां पर टू है, अब आपको यहां पर सोल्व कर देना है तो वही आपका क्या बचेगा 8 माइनस 8 इंटू यहां पर तो कितना है आपके पास 32 अपॉन 35, क्लियर है। बटे में आपके पास क्या दिया हुआ है यहां पर देखो, इसको सोल्व करते हो तो हमारे पास कितना आया था यहां पर 2, तो हमारे पास इसे का बचा था। ठीक है यहां पर 35 है, 6 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 6 अपॉन 35, क्लियर है। अब इसको भी सोल्व करोगे तो आपके पास देखो ये वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली जो सामने लिखी हुई है। ठीक है बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। चले आगे क्वेश्चन, चलो तो इसमें राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा बी होगा, डी नहीं बी होगा, उल्टा है इसमें। ठीक है ये लिखने वाले मिसप्रिंट कर देते हैं। ठीक है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका 4 इज करेक्ट आंसर, क्लियर है बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर 4 इज, हाँ बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखो पेडोलॉजी का क्वेश्चन से संबंधित है, इसमें पूछा जाता है कि उपलब्धि परीक्षण एवं नियोनिक परीक्षण में क्या अंतर है, बस अंतर समझना है। उपलब्धि परीक्षण जो उपलब्ध होता है, नियोनिक जो हम नया सीखते हैं उसके बारे में पूछा गया है, अचीवमेंट ठीक है, नेविजेबल आपका समझते हो बिल्कुल, तो सभी को आंसर देना है। इसमें क्या होता है 3 का राइट आंसर बताना है बिल्कुल। टीना जी समझिए बिल्कुल आपका 2 इज करेक्ट आंसर है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो इसमें आंसर बनाना है, क्वेश्चन 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 पेडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। अगर आपने ध्यान से अगर पेडोलॉजी पढ़ी होगी तो ठीक है, थ्योरी हमारा थ्योरी सेशन नहीं चला, मैं एमसीक्यू से ही आपको अच्छी तरह कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है बी ओके, ए आंसर भी आया है, बी आंसर भी आया है, ए बी में आंसर आ रहा है। चलो तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल उद्देश्य, बिल्कुल ए आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर है, जिसका भी ए आंसर था बिल्कुल सुमन जी का आंसर है उद्देश्यों से। क्या है उद्देश्य से, उपलब्धि परीक्षण एवं नियोनिक परीक्षण। देखो कुछ क्वेश्चन है सीधे यहां, बिल्कुल टीटा जी बिल्कुल सी नहीं होगा, कठिनाइयों का स्तर। देखो उपलब्धि परीक्षण, कोई भी चीज हम उपलब्ध करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि उपलब्धि जो परीक्षण करते हैं हम, जो उपलब्ध होता है वो परीक्षण। नियोनिक परीक्षण जो नए परीक्षण होते हैं, क्यों होते हैं वो, अपने उद्देश्यों में क्या करना है, अंतर अंतर को समझाना है। उपलब्धि परीक्षण और नियोनिक परीक्षण में किसका अंतर होता है, उद्देश्यों का परिवर्तन होता है या उद्देश्यों का अंतर होता है। ठीक है ए इज करेक्ट आंसर, नेचर का नहीं। इसमें देखिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एक्सप्रेस 2/3 ऑफ 1/4 का ऑफ दिया हुआ है, 25.20 है, एज ए फ्रैक्शन यानी एक फ्रैक्शन है ए। ठीक है फ्रैक्शन ऑफ उसका 1/1/2 ऑफ RS 36 है, इसमें आंसर बताना है, सभी को बताना है, देखते हैं क्या आता है। पहले इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना कि क्या चीज पूछी जा रही है, ए की वैल्यू बतानी है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। एक फ्रैक्शन है उसको हमने ए मान लिया, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है कि वो फ्रैक्शन जो आएगी आपके पास वो क्या होगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बिल्कुल राइट ए आंसर तो उसका सभी का था। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग, चलो सभी आ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलो इसका आंसर क्या होगा, सभी को आंसर देना है, देखो सभी को आंसर देना है चाहे आंसर सही हो या गलत। 4 के अंदर ए आंसर की तरफ, 4 के अंदर आपका आंसर क्या आया है, ए आंसर आया है, बिल्कुल ए आंसर की तरफ आया है, सुमन जी का ए आंसर आया है 4 में ए। सबका ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ए ए की तरफ। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, जो बताया जा रहा है देखो एक्सप्रेशन एक तो आपके पास 2/3 है। ठीक है मैंने 2/3 लिख दिया, 2/3 ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई। ठीक है 1/4 दिया हुआ है, 1/4
ऑफ फिर दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25.20, यही दिया हुआ है। इक्वल एज दिया हुआ है किसमें, एक फ्रैक्शन है m या a मान लेते हैं, a मान लिया फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का क्या कर रहे हैं, एक सही एक बटा दो, यानी एक सही एक बटे दो, ठीक है। ऑफ ऑफ वही काम करना है, इनटू 36 दिया हुआ है, यही काम करना है ना, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन जो आपका ये a होगा वो क्या होगा, बस इतना सा काम करना है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो अगर आप a की वैल्यू निकालते हो, पहले तो भिन्न को सोल्व कर लीजिए, ठीक है, भिन्न को सोल्व करने से आपका आंसर अच्छा आ जाएगा। पहले इसको काट लीजिए, इधर चलो पहले, तो यहां पर देखिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, दो से काटता हूं मैं, दो बार चला जाता है, ठीक है, चला गया ऊपर, ऊपर आपके पास कितना बचा है 25.20, यही बचा ना, यानी 25.20, और यहां नीचे कितना बचा, 3 × 2 = 6 बचा है कि नहीं, तो यहां पर तो है इधर वाला, तो आपके पास संख्या आ जाएगी बराबर में। आपके पास देखो a इंटू, आपके पास पहले इस भिन्न को सोल्व कर लीजिए, भिन्न को सोल्व करेंगे तो एक दो तो ये हो जाएगा 3/3, आपके पास 2 होता है, इंटू आपके पास 36 होता है, ये होता है ना, बिल्कुल, दो से काटोगे तो आपके पास 18 आता है, बिल्कुल आता है। अब a की वैल्यू आपको निकालनी है, बिल्कुल, तो 25 आपके पास दिया हुआ है, 20 आपके पास दिया हुआ है दशमलव में, ठीक है, 6 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में आपके पास 18 दिया हुआ है, इंटू 3 दिया हुआ है, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आती है तो काट दीजिए, ठीक है, काट लो, तो कितने से काटोगे, 3 से काट लो, जिससे आपका आसान हो जाए, 3 से काटोगे तो कितना बना आपके पास, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 24 बना है, 24, एक बचा है तो उससे पहले दशमलव है, 3 × 3 = 12 हो गए, ठीक है, तो आपके पास आ गए ये वाली संख्या, ठीक है, 84। 6 से काट लेते हैं, या 6 से नहीं काटते हो तो फिर क्या करते हैं, हम a की वैल्यू निकालनी है तो दशमलव को हटा के नीचे 0 रख देता हूं, रख दूं, ठीक है, आपके पास 6 × आपके पास 18 बचा है, ठीक है, 3 को तो हमने काट दिया था, अगर ये दशमलव हट जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ गया कि नहीं आया, जिससे हम क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व कर सके आसानी से, ठीक है, दशमलव में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, 0 से देखो मैंने 0 कैंसिल कर दिया, क्लियर है। चलो 6 से काटता हूं तो 6 × 6 हो गया, 6 × 4 = 24 होता है, ये भी क्लियर है, ठीक है। अगर 2 से काटता हूं तो कितना हो जाता है, 2 × 14 2 × 16 2 × 9 = 18, यानी कि आपके पास देखो कितना कितना बचा है, a की वैल्यू में आपके पास देखो 7 तो ऊपर बचा है, और कुछ भी नहीं बचा 7 ऊपर, नीचे आपके पास देखो 9 और 10 बचा है, यानी 90, तो आपको देखो सीधा सा a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 7/90, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ए इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, क्या जरूरी है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, क्या चीज है, अप्रेक्षित यानी अनप्रोजेक्टेड, ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रोजेक्टेड, प्रेक्षण, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर की तरफ बताना है, सही आंसर क्या होगा, सभी को आंसर देना है, तो सभी को मैं बता देता हूं एक बार फिर से, साथियों जो भी लाइव है, आपकी संडे के दिन जितनी भी हमने क्लासें ली है उनसे आपको अलग अलग जितने भी मैराथन होगा आपका, क्या होगा आपका 5 घंटे का मैराथन है, तो सभी को आना है, संडे के दिन सभी की छुट्टी होती रहती है, तो सभी को लाना है, अपने साथियों को भी लेके आना है, संडे के दिन आपकी मैराथन है, ठीक है, जिसमें आपको क्लासें देखने को मिलेगी और ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने सब कवर करवा दिए हैं यहाँ पे, लेकिन मैराथन में क्या होता है, जितने क्वेश्चन है, जैसे हमने कभी कभी तो 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके कवर कर सकूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ तो मैं पूरा डीपली समझाता हूँ, वहां पर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन भी ज्यादा समझेंगे, ठीक है। फाइव में बी आंसर, ओके, फाइव में बी की तरफ आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, सभी का क्लियर आंसर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक आंसर होगा तभी आपके जाके क्या होगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट अनुभव होगा, तब जाके सबसे बेस्ट आपका वो रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसमें देखो वैल्यू पूछा है, सोल्व दिस, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, एम की वैल्यू बतानी है, 4m, ठीक है, m के लिए, m के लिए वैल्यू क्या है सभी को बताना है।
आंसर सभी को देना है। अभी तक किसी का नहीं है, क्या बात है। सिक्स का क्या आया है? सिक्स में डी। ओके, बबली जी का आंसर आया है सबसे पहले सिक्स में डी। सुमन जी का भी, सुमन जी का सी आंसर आया है सिक्स में सी। ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है सभी का। सिक्स में सी की तरफ आंसर है। देखते हैं सी में सी आंसर आ रहा है क्या। डी आंसर भी आया है। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखना है, बोर्ड मास का नियम जरूर लगाना है। जिसने बोर्ड मास का नियम नहीं लगाया उसका गलत है, समझ लेना, ठीक है। सोल्व करते चलो, पहले तो जो भिन्न आपके पास दी हुई है उस भिन्न को सोल्व कीजिए। भिन्न को सोल्व करके देखते हैं। भिन्न को सोल्व करोगे तो देखो भिन्न आपके पास दी हुई है ऑलरेडी, तो कितना दिया हुआ है देखिए, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 6 × 12 और 12 में से 4 ऐड करते हो तो कितना होता है, 12 और 4 12 4 आपके पास 16/6 हो गए। हो गए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। आगे देखते हैं, डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखो 5/3 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, 5/3 दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, फिर चलो कोई बात नहीं, इंटू दिया हुआ 7/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर m दिया हुआ है, m आपका क्या होना चाहिए, m यानी आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपका फ्रैक्शन होगा उसको यहाँ पर लिख देना है, क्लियर है। यानी कि आपका देखो इसको आपको क्या करना है, जिसने आंसर ध्यान से देखा है वो तो आंसर इसका बता देगा। ये है इस प्रकार, जैसे मैंने इस भिन्न को सोल्व करके लाया हूं ना, 2 × 4/6, इसमें क्या किया है मैंने, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर जिसके ये चीज समझ में आ गई है क्वेश्चन उसका राइट हो जाएगा। देखो 2 से इसमें क्या किया, पहले तो मल्टीप्लाई किया, 6 × 12 होता है, 12 में फिर क्या करते हैं हम, जो संख्या आती है उसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं कि नहीं, ऐड कर लेते हैं, और आपके पास संख्या ये वाली ऐसे कैसे रहती है, ऐसे करते हैं ना, वैसे ही हमको इसको क्या करना है, एम आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, एम सही 2/5, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो क्या करना है, पहले तो इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5m तो आपके पास ये हो गया, प्लस आपके पास 2 हो गया, और आपने यही गलती की है कि आपने ये काम नहीं किया है। जिसका भी आंसर गलत आया है, अब मैं, मुझे पता नहीं अभी तक आंसर किसका गलत है या सही है, लेकिन आपका ये जिसका है तो वो तो सही है, और बाकी जिसने ये m को मल्टीप्लाई कर दिया है उसका तो आंसर गलत होना बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है। 5m आम के इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी है, इसको ध्यान रखना, 5m आपके पास ये हो चुका है, प्लस आपके पास क्या करना है, 2 कर देना है, तो मैंने प्लस 2 कर दिया है, बटे में आपके पास 5 दिया हुआ है, क्लियर है। इनटू आपके पास फिल ऑलरेडी दिया हुआ है, इनटू में आपके पास 8/ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, उसमें फिर डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, आगे मैंने डिवाइड कर दिया, कितना दिया हुआ है, 2/5 कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लो, इसमें सोल्व करोगे तो देखो आपके पास कितना है, 16/6, और इसको चेंज नहीं करना है। आगे वाली जो संख्या है, सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड को, किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड को, तो डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड को मैं अगर चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, जो आपके पास इनटू में चेंज करना है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आपके यहां पर देखो कितना दिया हुआ है, इनटू आपके पास वही 7/3 रहेगा, समझना, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है, 5m प्लस आपके पास 2 यहां पर दिया हुआ है, बटे में 5 दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में वही रहेगा आपके पास 8/9। देखो डिवाइड का जो चिन्ह है तो ये पीछे वाली संख्या को घुमाना नहीं है, आगे वाली जो संख्या है उसको घुमाना है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैंसिल करते चलिए, देखो 3 से मैंने इस 3 को कैंसिल कर दिया,
ठीक है, कर दिया। अब यहां पर देखिए, अगर मैं दो से भी कैंसिल करता हूं, 2 अंटे 16 होता है, 2 से काटोगे 3 बार, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ऊपर ऊपर आपके पास संख्या कितनी कितनी बची है वो देख लेते हैं। 8 आपके पास ये वाली संख्या बची है, यहां पर आपके पास 7 ये बचा है, बचा है कि नहीं। और ये जो नीचे वाली तीनों संख्याएं हैं, क्या है ये जो तीनों संख्याएं हैं, अगर काटना चाहे इसमें देख लीजिए। अब इधर आ जाइए, ऊपर तो आपके पास इधर वाली तो ऊपर 2 संख्या बची है, नीचे आपके पास 2 संख्या बची है, 3 × 5 बचे हैं कि नहीं बचे, 3 × 5 बचे हैं, बिल्कुल बचे हैं। बराबर में आ जाइए, आपके पास यहां पर दिया हुआ है 5m+2 ब्रैकेट में है, समझ लीजिए 5 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटू 8/9 दिया हुआ है, इंटू 5/2 दिया हुआ है। ध्यान रखना 5 से मैंने 5 को कैंसिल कर दिया, 2 से काटता हूं, 2 × 8 4 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है, यही होता है। अब इसमें एक बार देख लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहता हूं, थोड़ा जगह नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखते हुए चलना है आपको, यहां पर मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इसको यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहे देखने में भी, ठीक है। बिल्कुल यहां ऊपर देख लीजिए, ठीक है। चलो यहां पर देखिए, हमने क्या क्या हमारे पास क्या क्या चीज है, देखो 8 आपके पास दिया हुआ है, इंटू 7 दिया हुआ है, बटे में 3 × 5 दिया हुआ है। तो देखो आपके पास जो नीचे इधर कौन सी संख्या बची है, देखो 5m+2 तो यहां पर बचा है ऊपर, ठीक है, ऊपर ही आपके पास 4 बचा है, बटे में आपके पास क्या क्या चीजें बची है, 9, केवल और केवल 9 बचा है, ठीक है। तिरछा मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे और इसको इससे, यही करते हो ना। तो देखो 5m मैंने यहां पर रख दिया, मान लो कि यहां पर मैंने इसको इंटू कर दिया, तो आपके पास देखो संख्या 8 × ध्यान से देखना 8 × 7 × 9 और आपके पास क्या बचा है, इधर तो आपके पास ये बची है और यहां पर बचा है 5m+2 आपके पास ये है, इंटू में 4 दिया हुआ है, इंटू 3 दिया हुआ है, इंटू 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखो 4 से काटना है, 4 × 8 2 बार में कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 3 से काटते हो तो 3 से काटोगे तो 3 × 3 = 9 बचता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा, 7 × 14 और 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28 और 42 आपके पास होता है 3 बार मल्टीप्लाई करने से। और आपके पास यहां पर संख्या देखो क्या बची है, 5 आपके पास ये बची है, 5m तो ये है, प्लस 2 आपके पास ये है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 × 10m हो गया, प्लस आपके पास कितना हुआ, और 5 × 25 = 25 तो यहां पर होता है और 10 आपके पास यहां पर बचता है, क्लियर है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। 25 है ये, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं हुआ, तो 25 आपके पास, 22 यहां पर है, माइनस का 10 है और यहां पर है आपके पास 25m, यही वजह है ना। अब यहां पर देखिए, पीछे चला गया होगा मेरे, ठीक है, तो यहां पर देखना है आपके पास यहां पर संख्या क्या आई है, जो मेरे इसमें वक्त पीछे लिखा हूं, 22 − 10 है, बराबर में आपके पास है, तो 32 आपके पास बचेगा, बराबर में आपके पास कितना दिया हुआ है, 25m, m की वैल्यू निकालनी है तो m बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 32/25। बताइए इसमें किसका कहां पे प्रॉब्लम आई है, बस यहां पे स्टार्टिंग में यहां पर प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। बिल्कुल, तो सभी का क्लियर है, मैं बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा था, एक एक चीज के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से धीरे धीरे बताया है, जिसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्लियर है अब तो यहां तक तो सभी का, ठीक है। आंसर आपका कितना हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और जिसका ये आंसर आया है कारणवश, इसने यहां पर गलती कर दी है, इसने जिसने भी आपको यहां पर गलती की है उसका आंसर गलत आया होगा, बाकी तो और लगभग सभी का सही नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आया था 6 में D आंसर सबसे पहले आया था, बिल्कुल बबली जी का आंसर आया था, बबली चंचल, वास्तव में आप चंचल हो, बिल्कुल आंसर भी आपका सही आया है, बिल्कुल जी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, गलती कहाँ हुई है उस चीज को देख लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो m की वैल्यू आप सभी को पता चल गई होगी, क्या है m की वैल्यू, बिल्कुल राइट आंसर, तो D इज करेक्ट आंसर। चलो अब आगे चलिए, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए ही क्वेश्चन डाला गया है, वैसे कोई खास बात नहीं है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा।
आंसर सभी को देना है, ठीक है, चाहे कितना ही इजी हो क्यों ना हो, सभी को आंसर देना है। 7 में बी आंसर, सबसे पहले आंसर आया है सुजाता जी का, 7 में बी आंसर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बी आंसर। चलो और किसी का आंसर है, आंसर देना है चाहे इजी हो चाहे कठिन हो, ठीक है, आंसर सभी को देना है, इसीलिए तो मैं टाइम लगाता हूं, थोड़ा आपको टाइम देता हूं, नहीं तो सीधा समय करवा के छोड़ दो, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपकी भी प्रैक्टिस, आपकी भी, आपको जो कमियां है वो पकड़ में आए, इसलिए मैं पहले आपको टाइम देता हूं करने के लिए, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, बहुत ही कम है जो निकालते हैं क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, 7 में बी की तरफ आंसर आया, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं होगी। देखो आपके पास कन्वर्ट करना है इसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको, तो कोई खास बात नहीं होगी, कन्वर्ट करना है। देखो दशमलव, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताई है कि दशमलव को अगर हटाना हो तो नीचे क्या रख दो, 100 रख दो, बस यही आंसर होगा, और दशमलव के बाद में है दो संख्या इसलिए, ठीक है। तो आपको काट दो अब इसको, चार से काटोगे तो देखो, चार से काटोगे तो चार दूनी आठ होता है, और अगर चार से काटोगे तो 25 होता है, तो आपके पास आंसर कितना होना चाहिए, सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए गलती तो होती है, फिर भी गलती कर रहे हो, ठीक है, देखिए क्या आंसर होगा आपके पास, आपके पास होगा 22 25, ठीक है, अपॉन 25, तो राइट आंसर सी होगा इसका, करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो इसका डी इज करेक्ट आंसर, डी नहीं दोस्तों, डी नहीं, क्या आंसर होगा इसका, आपके पास सी आंसर होगा, ठीक है, कहीं हो जाती है मिस्टेक। चलो तो यहां पर आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए कौन सा कार्य अध्यापक नहीं है, यानी कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है ये बताना है, ठीक है, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर देना है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कार्य अध्यापक नहीं करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो देखते हैं, सभी को आंसर देना है साथियों, क्योंकि सभी आंसर देंगे तभी ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, आंसर सभी को देना है। गलतियां करने से मत डरो अभी, ठीक है, अभी आपका गलतियों को सुधारने का टाइम चल रहा है, और सुधरेगी कब, जब आप गलतियां पता चलेगा आपको। 8 में डी आंसर, और लगभग सभी का आंसर आना चाहिए, और सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अगर देखिए आपके पास यहां पर मैंने लिख दिया है कि आपके पास 8.8 है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, 8.8 आपके पास 10, ये बनता है। अगर आपके पास संख्या इस प्रकार की दी हुई है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, 8.8000, ठीक है। अगर आपके पास दशमलव में इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको दशमलव हटाओगे तब कितना हो जाएगा, 888 आपके पास 000, समझने की कोशिश करना, जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और 8 में आपके, हाँ ठीक है, आपका आंसर देखो, योजना प्लानिंग बना सकता है, टीचर एक प्लान बनाकर काम करता है तो बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। मार्गदर्शन, बिल्कुल, ये गाइडेंस का काम भी होता है टीचर का, शिक्षण का काम भी होता है, लेकिन बजट बनाने का काम नहीं होता, तभी तो स्कूलों के अंदर बाबू पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो बजट बनाने का ही काम करते हैं, वो पढ़ाने का सिस्टम नहीं रखते, बजट जिसके पास है वो बनाने का काम नहीं करता है बजट, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखो इसने हमें क्या सीखने को मिला है, ठीक है, जो ये कुछ चीजें होती है जो हम एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो वो व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट आंसर आपका 4 आ जाएगा, बजट नहीं बना सकता वो, ठीक है, बजट अपने घर का बना सकता है लेकिन स्कूल का नहीं, ठीक है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनकर्ता अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, सक्रियात्मक अवस्था में है, परिणामात्मक अवस्था में है, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी, देखो जितना जल्दी आप करोगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें आंसर क्या होगा, पढ़कर आंसर सुना लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है।
ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। नाइन में सी की तरफ आंसर आया है, नाइन में सी आंसर आया है, ठीक है। ये अंतिम वाला फोर है, ध्यान रखना कौन सा है, डी है फोर, ठीक है फोर वाला। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सक्रियात्मक अवस्था में, बिल्कुल किसमें, ऑपरेशनल मोड में होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर की बिल्कुल ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल नाइन में सी की तरफ बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और इस क्वेश्चन में आप गलती करोगे तो क्वेश्चन को मैं बता देता हूं पहले, ठीक है मैं ही बता देता हूं जिससे आपकी गलती, चलो कोई बात नहीं आप कीजिए, देखिए कहां पे गलती करते हो, सभी को करना है ठीक है बिल्कुल। देखो एक भिन्न को, एक भिन्न आपके पास दी हुई है, चलो दे दिया हमने भिन्न, भिन्न को स्वयं के व्युत्क्रम, स्वयं का व्युत्क्रम भी जानते होंगे ठीक है। मैंने सभी भिन्नों के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में जब सिखाया था तब मैंने पहले ऑलरेडी ही आपको बताया था व्युत्क्रम के बारे में। सॉरी दोस्तों कोई था ठीक है ओके। यहां पर देखिए व्युत्क्रम के बारे में बात करते हैं कि व्युत्क्रम के बारे में मैंने अच्छी तरीके बताया था। व्युत्क्रम आपका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है आपका अपोजिट ठीक है, उल्टा, जो भी संख्या दी हुई है उसका उल्टा। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, सभी को आंसर देना है। टेन में बी की तरफ आंसर, चलो देखते हैं इसमें बी आंसर होगा कि नहीं होगा, करते हैं सभी को करना है। देखो आंसर चाहे कुछ भी हो उसमें, टेन में बी की तरफ। चलो यहां पर देखिए इसने कहा है कि एक आपके पास भिन्न को स्वयं के व्युत्क्रम से विभाजित किया जाता है, यानी एक आपके पास मान लो कि कोई संख्या है, मैंने ए एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स मान ली ठीक है। चलो एक तो एक्स मान ली, सबसे पहला काम कर दिया, एक भिन्न है को स्वयं के व्युत्क्रम, यानी अगर मैं यानी स्वयं इसका कर दूं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम हो जाता है ठीक है। व्युत्क्रम से विभाजित किया जाता है, यानी ये जो अक्ष है आपके पास, इसको मैंने क्या किया, वन अपॉन एक्स से क्या किया, विभाजित किया है ठीक है। आगे बढ़ो, विभाजित किया जाता है, फिर इसे मूल अंश आपका ये है अक्षी, मूल अंश से गुणा किया जाता है, ये लो भैया इसके मूल अंश से इसको गुणा भी कर लिया जाता है, गुणा किया जाता है। यदि प्राप्त उत्तर जो आपके पास है वो कितना होना चाहिए, 11 सही, यहां पर जो प्राप्त आपके पास आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 11 सही 25 बटे 64, कितना होगा 11 सही 25 बटे 64, क्लियर है। चलो तो फिर आगे देखते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। और इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूं तो आपको भी पता है कि इसका क्या बनेगा, इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूं, करके देख लीजिए आपके पास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, चलो 11 से करोगे 64 को ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 64 ठीक है, 11 चौक 44 सॉरी 11 चौक 44, 11 की 66 होते हैं, 6 4 10 होता है आपके पास, और 704 होते हैं, बनते हैं कि नहीं। और 704 में 25 को ऐड करता हूं तो कितना बनता है आपके पास, 729 बनता है कि नहीं, 729 बटे आपके पास कितना है, 64। अब ध्यान से देखना आपको, देखो x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया कि नहीं होगा, और ये x भी ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाएगा ये तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आपके पास संख्या है वो कितनी है, 229/64, यानी कि x का क्यूब। तो इस 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, और 64 किसका क्यूब है, 4 चौक 16 16 चौक 64, यही होता ना, यानी कि 4 का क्यूब है ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई है, कितना, 9/4 इज करेक्ट आंसर। अब बता दीजिए 9/4 आपका राइट आंसर है कि नहीं है, ठीक है सभी का आंसर है या नहीं है ये बताना है ठीक है। 9/3 नहीं होगा, 9/3 क्यों रहा है, 9/3 देखो ए बहुत कम का आंसर आया है, 9 में सी आंसर, बी आंसर, डी बी आंसर, लेकिन ए आंसर किसी का नहीं आया बिल्कुल। चलो तो अब तो पता चल गया होगा कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ठीक है, 8 24 कर दिया था आपने, और 8 8 आप दे भी रखे,
इसलिए आपने गड़बड़ कर दी, है ना? ठीक है, तो देखो आंसर किसी का भी नहीं आया था, ए आंसर आया था स्वाति जी का और टीना जी का, अभी आंसर आया है। चलो तो सभी का आंसर अब तो अब समझ में आ गया होगा कि कहां आपने गलती की है और क्यों गलती की है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, बिल्कुल। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी लिखावट में आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर है, किस पर आधारित है या किस स्थान पर है अभी वो? ठीक है, रोहित जी का ए आंसर आया था, बिल्कुल 10 में ए आंसर सिर्फ और सिर्फ रोहित जी का आया था, बिल्कुल। ठीक है, बाकी किसी का नहीं आया था। बिल्कुल, चलो यहाँ पर देखिए 11 का आंसर, टाइम मत लगाना क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर आपको आता है तो आप आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा वेन हाइल के बारे में तब तो आप इसका आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। तो इसमें उसने क्या कहा है कि अनुसार ज्यामिति के खाली स्थान पर है एक बच्चा है जो, तो आंसर जो भी आंसर हो सही गलत दे दीजिए। 11 में बी आंसर, 11 में टीना जी का आंसर आया है बी, ए बी ए में आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक चित्रण स्तर पर, यानी जो आपकी ज्यामिति आकृतियां देखी गई है, ज्यामिति आकृतियां होती है वो हमेशा किस पर निर्भर करती है? डायग्राम पर, इमेजिनरी, यानी आप अगर वो अपना बनाते भी हो, जैसे मैंने आपको एक घन घनाभ बनाने के लिए बताया, तो एक इमेजिनरी सिस्टम बनाते हो आप। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एक मानचित्रण चित्रण स्तर पर था। ठीक है, बिल्कुल वो चित्र बनाने लगता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आप सभी को और इसमें देखना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, विजुअलाइजेशन 0 लेवल, एक मिनट कैमरा थोड़ा बंद कर देते हैं क्योंकि चलो 12 में सी की तरफ आंसर आ रहा है, 12 में सी की तरफ आंसर आ रहा है। सभी का सी आ रहा है, चलो तो देखिए 12 में सभी का सी आ रहा है। देखो आपको पूछा गया है कि राज कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है तो उसने एम को 2/7 से गुणा करने के बजाय कितना, 2/2 यानी एम को उसे कितना गुणा करना चाहिए, एम को उसे 2/7 से गुणा करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसने कहा है कि एम को 2/7 से गुणा करने के बजाय उसने एम को 2/7 से विभाजित कर दिया, यानी करना क्या चाहिए, 2/7 से गुणा, लेकिन उसने क्या कर दिया है, m को 2/7 से विभाजित कर दिया है। ठीक है, कर दिया ना। ठीक है, राज का मूल्य m के प्रक्षेपित मूल्य से कितना अधिक था, आपके पास जो आना चाहिए उससे कितना अधिक आया है, उससे अधिक था, तो m का मूल्य क्या है, m की वैल्यू क्या है वो बताना है। ठीक है, यानी जो डिवाइड करते हो उसकी जो वैल्यू है आपके पास, अगर 2/7 की जो वैल्यू आती है उससे कितना ज्यादा है, 1/13/14, यही करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7m मैंने लिख दिया, बटे में 2 लिख दिया है, माइनस का आपके पास दिया हुआ है 2m, बटे में आपके पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर आपके पास दिया हुआ है, इक्वल मैंने लिख दिया है, 27 आपका लिखा हुआ है, 14 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है, इसको सोल्व कर दिया, 14 और 13 आपके पास 27/14, क्लियर है? कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अब इसमें क्या किया मैंने, एलसीएम कितना लिखा, 14, यही लिखा ना एलसीएम, इन दोनों का 14 लिख दिया, 2 × 7 = 49, यानी कि 49m, माइनस आपके पास 7 × 14 यानी 2 × 4m, क्लियर है? ठीक है, बराबर आपके पास 27/14 दिया हुआ है। अब नीचे वाले से नीचे वाली कैंसिल कर सकते हो आप, इतनी औकात है आपके पास। आगे देखिए
49m दिया हुआ है और इसके अंदर से 4m को माइनस करना है और आपके पास 20 क्या आता है 27। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना रहा, आपके पास देखो 45 बचा गया, 45m बचा है, 27 बचा है। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी है 27 अपॉन 45। 9 से काटोगे तो 9 3 27, 9 5 45, 3/3 आपके पास कितना होना चाहिए 5। m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपके पास m की वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए 3/5 आपका करेक्ट आंसर। तो ए जिसका भी आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने किसने 12 में से ये आंसर दिया था, देख लीजिए किसका क्या आंसर होगा। ए आंसर किसका है 12 में, ए आंसर लाइट चली गई है, लाइट चली जाने के कारण मैंने वो बंद कर दिया। ठीक है, लाइट जरूरी है, लाइटिंग नहीं होती तो वो सिस्टम नहीं बैठता। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ए इसका तो राइट आंसर सभी का। ठीक है, वोन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। जिसने वेन हेले के बारे में पढ़ा है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल, वोन हेले के स्तर में जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। सभी को आंसर देना है। ठीक है, आंसर सभी को देना है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर बताते चलिए। 13 का आंसर क्या होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें क्या दिया हुआ है देखते ही पता चल जाएगा। फोर्टीन में ए आंसर आया है, चलो तो फिर देखते हैं 14 में ए आंसर आया है क्या। बिल्कुल, अभी मैं पढ़ के आया हूं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम वेन हेले के बारे में ही पढ़ रहे थे कि वो बच्चों को क्या चीज सिखा रहा है, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में समझाने के लिए, तो जो उनकी साइकोलॉजी है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वेन हेले किससे संबंधित है, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति चिंतन से। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, किसका सूचक है गणितीय तर्कणा। ठीक है, परिकलन में निपुणता की क्षमता हो, विभिन्न परिस्थितियों में यह सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता हो, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता हो, गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता देने की क्षमता हो। राइट आंसर देना है सभी का, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, तो सभी का आंसर देना है, देखिए सभी को आंसर देना है। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर ए, 14 में आंसर आया था, 14 में बी आंसर, क्या आंसर है 14 में, बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं इसमें बी इज करेक्ट आंसर होगा क्या, इसमें राइट आंसर होगा गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता देने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तर्कणा का मतलब समझना है कि तर्क संगतता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कौन सी, गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है तर्कणा के अंदर। निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए, यदि या मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 दिख हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, वो ये व्यंकलित करेगा, व्यंकलित घटा, तुलनात्मक जमा, अपराध। फिफ्टीन में आंसर राइट आंसर बता दें। फिफ्टीन में राइट आंसर बताना है। सी ए आंसर आया है, 15 में ए आंसर। चलो 15 में ए आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तुलनात्मक जमा। इसमें इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, इंग्लिश में मिसप्रिंट है, बाकी इसमें होगा तुलनात्मक जमा।
क्या होगा? तुलनात्मक जमा होगा। ठीक है, शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानने, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, यानी तुलना कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो वेकलिन थोड़े कर रहा है, वेकलिन मतलब आपको सबस्ट्रैक्ट कर रहा है, घटा रहा है क्या? ठीक है, तो वो नहीं होगा, अपराध भी नहीं है, तुलना कर रहा है, तुलनात्मक उसके बारे में तुलना कर रहा है। ठीक है, यानी मनीष से मेरे पास ज्यादा है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा? तुलना करना है, तो यानी तुलनात्मक जमा। ठीक है, तुलनात्मक जमा होगा साथियों, समझ रहे हो क्यों हुआ है? और मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपकी संडे के दिन मैराथन होगी, सभी को देखना है और अपने अपने दोस्तों को जरूर लेकर आना है। ठीक है, 5 घंटे आपकी लगातार मैराथन होगी संडे के दिन, सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल, तो सभी को ध्यान रखना और सभी अपने अपने साथियों को लेकर आए। ठीक है, और आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासें मिल जाएगी, आपका मैराथन होगा संडे को, ध्यान रखना है। ठीक है, मैराथन संडे को मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको मैं फिर से बता देता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले इसमें देखो पहले ही समझा दिया था कि देखो आपका सीटेट मैराथन होगा, एक वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस खत्म कर दें आपका उससे अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉन स्टॉप होगा, 5 घंटे आपका लगातार होगा। अब आपको सभी को ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, मैराथन नॉन स्टॉप 5 आवर। ठीक है, पेपर फर्स्ट सेकंड फुल, एकदम फुल, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर संडे के दिन होगा। ठीक है, 10 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी और 3 बजे तक लगातार आपका ये 5 घंटा नॉन स्टॉप चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, 11 बजे से स्टार्ट होगा, 11 दिसंबर से, 11 दिसंबर के दिन 10 बजे से स्टार्ट होगा। सभी को ध्यान रखना है, याद रखना है और सभी को आना है। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चनों को एडजस्ट पता चल सके कि किस प्रकार से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो मिलते हैं हम इसी के अंदर, कल फिर क्लास लेंगे उसके अंदर। टेक केयर, बाय बाय, और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए, देखते हैं क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लास नेक्स्ट के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।